क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ? अरे हेलो, मैंने सोचा सागर में हमारे आईजी साहब हैं, मैं उनसे मिलूं। अरे और सागर कैसे आना होगा? अरे मैं आजकल यूजीसी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले तो मिला तुम मैन। हेलो सर। हेलो, हाउ यू? फाइन। और मेरे प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे रही है। अच्छा, आप शायद अभी आपको कितना टाइम हुआ यहाँ? शायद रिसेंटली आया हूँ मैं, मेरे ख्याल हार्डली 15-20 दिन। तो गढ़फेरा गए कि नहीं? गढ़फेरा यहाँ काफ़ी अच्छा एक स्थान है गढ़फेरा। अच्छा, ये काफ़ी प्राचीन स्थान। अच्छा, तो अभी मुझे मेरे जो साथ वालों ने ये किया कि सागर जाके आप इस पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करो, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मैं चाहता हूँ, वैसे भी सागर विश्वविद्यालय से पढ़े हैं हम लोग और हमारा ये है कि सागर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, सागर से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट हम लोग ढूंढते रहते हैं भैया, कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए उस बहाने सागर आ जाए और कुछ ना कुछ काम करें। और वैसे भी गढ़वेरा का जो स्थान है, हम चाहते हैं ये बुंदेलखंड तक ही सीमित ना रहे, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग UGC चैनल के थ्रू ये इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने कि हनुमान जी जिनको हम ये पूछते हैं और यहाँ का जो किला और अंगड़ देवी का मंदिर, इसके बारे में लोग जाने। यार ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे कोई नहीं जानता, हम बदल में भी कुछ चंद लोग ही इस स्थान को जानते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी आगे तक ले जाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, आप चलिए भाभी जी और साथ में, अच्छा रहेगा आपका, और इस बहाने आप कम से कम वहाँ वो आएंगे। हाँ जरूर, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा। तो मंगलवार का प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं विद फैमिली आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि मेरी भी धार्मिक आस्थाएं हैं वहाँ जाने की। जैसे आपने बताया कि हनुमान जी का मंदिर है, तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा, मैं फैमिली के साथ चलूंगा, क्योंकि बहुत से ले जाए मुझे। हाँ वही वही, मतलब एक फैमिली पिकनिक हो जाएगी और पुरानी यादें फिर ताज़ा कर लेंगे। और यही चाहिए, इससे अच्छा हम क्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम सब मिलकर उस दिन वहाँ पे हम चले और दर्शन कर लें भगवान के। सागर से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूर झांसी मार्ग पर पहाड़ियों के बीच स्थित है प्राचीन गढ़फेरा का किला, और वहीं पर है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जहां पर आषाढ़ माह के हर मंगलवार को भरता है मेला। जनसमूह श्रद्धा से ढोल मंजीरे बजाते हुए झंडा चढ़ाने जाते हैं हनुमान जी के मंदिर पर। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, यह लोगों का मानना है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। गढ़फेरा किले के आसपास स्थित है शीश महल और रानी महल। कहते हैं दो घाटियों और दो पहाड़ियों के बीच रस्सी बांधकर नकली सोमा ने एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाने के लिए उस रस्सी पर चलकर अग्नि परीक्षा दी थी। इस बीच रानी के भाई ने रानी से कहा कि रस्सी पर चलकर सौतन को महल के अंदर क्यों आने दे रही हो। यह सुनकर रानी ने चमड़ा काटने के औजार रापे से रस्सी को ही काट दिया। नटनी चीख के नीचे गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और आज भी यहाँ सड़क के किनारे दो पहाड़ियों और दो घाटियों के बीच वो शिला पड़ी है जिसे नटनी की दत्त कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार राजा ने अपनी रानियों को सजा दी और अनगढ़ देवी के सामने की पहाड़ी, जिसे चिन्हट की पहाड़ी कहते हैं, चुनवा दिया रानियों को। और इस तरह राजा ने नटनी के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। आज भी लोग नटनी की समाधि दो पहाड़ियों जहां नटनी नाची थी शीश महल, अनगढ़ देवी का मंदिर दक्षिण और दक्षिणमुखी हनुमान जी के श्रद्धा नमन होकर शीश नवाते हैं और लोकगान करने जाते हैं। कहा जाता है गढ़फेरा पूर्व का सागर था, आज भी इसके अवशेष सागर के अतीत की स्वर्णम गाथा कह रहे हैं। लोग यहाँ अपने परिवार दोस्त यारों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं और अपने भोजन में शामिल करते हैं दाल बाटियों को, और बड़े मजे लेते हुए भोजन को चाह से खाते हैं और आनंद उठाते हैं। जहाँ राजा जयसिंह ने गढ़फेरा का यश बढ़ाया, जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गढ़फेरे के किले से सागर के किले तक एक गुप्त रास्ता है। कहा जाता है प्राचीन सागर पहले धामोनी के पास स्थित था और बाद में गढ़फेरा और अब
सागर झील के किनारे स्थित है। जय श्री राम।